السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز سامعين نكاح کے ارکان اور شروط ہیں کیونکہ امر ہے उसके अरकान और शरूत का पाया जाना लाजिम है ताकि ये समझ में आए कि कौन सा निकाह इस्लामी है और कौन सा गैर इस्लामी है सबसे पहले आप ये जान लें कि अरकान क्या होते हैं और शरूत क्या होते हैं अरकान वो चीज़ होती है कि जिसके बगैर उस शय का वजूद नहीं होता है ख़त्म हो जाता है मिसाल के तौर पर रुकू है रुकू नमाज के लिए रुकन की हैसियत रखता है अब अगर किसी ने रुकू नहीं किया रकत मुकम्मल कर ली तो उसकी रकत नहीं हुई क्योंकि रुकू रकत के लिए या नमाज के लिए रुकन की हैसियत रखता है तो उसी तरह निकाह के कुछ अरकान होते हैं जो निकाह के लिए एक रुकन और बुनियाद की हैसियत रखते हैं अगर वो नहीं तो निकाह मुमकिन ही नहीं है हो ही नहीं सकता और शर्त शर्त वो चीज होती है जो उसके लिए जरूरी होती है मुमकिन है कि वो चीज उस उस शर्त के बगैर भी पाई जाए लेकिन वो चीज दुरुस्त नहीं होगी मिसाल के तौर पर नमाज के लिए वजू करना वजू नमाज के लिए शर्त है ये मुमकिन है कि अगर कोई वजू ना करे बिला वजू हो बगैर वजू के हो तो ये मुमकिन है कि वो नमाज पढ़ सकता है अगर कोई ऐसा लाइल शख्स है या फिर ये कि शैतान ने बहका दिया तो बगैर वजू के नमाज पढ़ ली तो बगैर वजू के क्या नमाज वजूद में आ सकती है कोई पढ़ सकता है पढ़ सकता है इसका मतलब यह है कि क्या कोई आदमी ऐसा कर सकता है करने वाले हो सकता है कर ले तो ऐसा नहीं है कि अगर वजू नहीं है तो नमाज बिल्कुल नहीं मौजूद होगी नहीं बल्कि नमाज हो सकती है कि कोई ऐसा कर ले। लेकिन जो नमाज बगैर वजू के होगी वो दुरुस्त और सही नहीं होगी तो शर्त वो चीज़ होती है कि उसके बगैर दूसरी चीज़ मौजूद होती है लेकिन दुरुस्त और सही नहीं होती है तो निकाह के लिए अरकान और शुरूत दोनों का पाया जाना ज़रूरी है अगर रुकन नहीं होगा निकाह के अरकान नहीं होंगे तो निकाह बिल्कुल ही वाकई ही नहीं होगा और अगर शर्त नहीं पाया जाएगा तो निकाह बातिल होगा अगर हो गया निकाह निकाह किसी ने कर लिया शर्त नहीं पाई गई तो निकाह बातिल हो जाएगा जिस तरह नमाज किसी ने पढ़ लिया वजू नहीं किया तो नमाज बातिल है उसी तरह से किसी ने निकाह कर लिया और शर्त नहीं पाई गई उसमें तो ऐसा निकाह बातिल है निकाह के जो अरकान हैं वो चार हैं पहला जौज दूसरा जौजा यानी शौहर बीवी इन दोनों का होना तीसरा ईजाब का होना यानी जो वली है वो ये कहे कि मैंने तुम्हारी निकाह में अपनी बेटी या बहन जिसको भी दिया या और कबूल का पाया जाना जरूरी है यानी लड़का ये कहे कि हाँ मैंने कबूल किया ये चार चीज़ें हैं जो निकाह के लिए जरूरी हैं जहाँ तक जोज और जोजा यानी शोहर और बीवी का मसाला है तो शोहर और बीवी का मौजूद होना यानी लड़का और लड़की का मौजूद होना निकाह में ज़रूरी है और दोनों का मुतयन होना भी जरूरी है एक तो यह कि मौजूद होना जरूरी है दूसरा यह कि उन दोनों को मुतान करके बताया जाए कि फुला इबन फुला है फुलाना बिनते फुलाना है यह मुतन करके बताया जाए अगर ऐसा नहीं है तो फिर निकाह दुरुस्त नहीं हो सकता है यानी अगर इबहम पाया गया मामला ऐसा हुआ कि किसी ने कहा कि मैं मेरे गांव में एक लड़की है मैं उससे आपकी शादी करवा देता हूं अब कौन है भाई किसकी बेटी है क्या नाम है कुछ नहीं बताया कहा मेरे गांव में एक लड़की है मिसाल के तौर पर कोई ये कहे कि मैंने आपकी शादी मेरी किसी ऐसी ऐसी लड़की से जिसका मैं जिम्मेदार हूं उससे मैंने करवा दी अब पता नहीं वो कितनी लड़कियों का जिम्मेदार है हो सकता है वो किसी का भाई हो हो सकता है उसके पास बेटी हो हो सकता है और दूसरे मामलात हो वली की तो कई एक किस्में होती है कई एक तरीके से एक आदमी वली बन सकता है तो अगर मुतयन नहीं करता है मुभम रखता है तो ऐसी सूरत में निकाह नहीं हो सकता है क्योंकि ये यहां धोखा होगा और यहां रुकन जो है यानी लड़की वो मुतन नहीं है उसी तरह से कोई ये कहे कि मैंने तुम्हारी शादी अपनी एक बेटी से करवा दी और उसके पास कई एक बेटियां हैं उसने उसका नाम नहीं लिया नहीं उसके बारे में बताया कहा कि मैंने तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दी कौन सी बेटी से क्या नाम है उसका यह मुतयन नहीं किया तो ऐसी सूरत में भी इबहम बाकी रह जाएगा और यह दुरुस्त नहीं है अलबत् अगर किसी के पास सिर्फ एक ही बेटी है और उसने कहा कि मैंने तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाई तो ये दुरुस्त है और ये तयन यहां हो गई मुतयन हो गया इसी किस्म में से या इसी में से एक मसला निकलता है कि क्या इंटरनेट ज़ूम व्हाट्सएप और इन जैसे दीगर इंटरनेट के वसायल के जरिए निकाह जायज़ है जवाब यह है कि ये सब जो वसाइल हैं इन वसायल के जरिए अक्सर उलमा ने निकाह को जायज़ नहीं कहा है और उसकी वजह यह है कि निकाह इन वसायल के जरिए निकाह के होने में कुछ ना कुछ एहतमाल बाकी रहता है मिसाल के तौर पर अगर फोन के जरिए किसी का निकाह हो तो मुमकिन है कि किसी और से बात की जाए और कोई और भेज दिया जाए ये मुमकिन है यानी वहां तब्दीली और झूठ और गिश और धोखा मुमकिन है लिहाजा ये एक बड़ा मसाला वहां पर पेश होता है कि अगर कोई टेलीफोन के जरिए निकाह करे उसी तरह मैसेज के जरिए इसमें भी ये इस्तेमाल है कि कहीं धोखाधही हो जाएगी उसी तरह से वीडियो कॉल के जरिए और आज तो इस कदर ये चीजें टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मुमकिन है कि वीडियो कॉल में भी किसी को दिखाया जाए और दर हकीकत वो नहीं हो ये मुमकिन है अहतमाल है लिहाजा इन एहतमाल की वजह से ओलमा ने वसायल हदीसा यानी जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए निकाह को जायज़ नहीं कहा है उस्ताद मोहतरम शेख सलेमानफिजल्ला ने इस तल्लु से फरमाया कि बिला वजह इन वसायल के जरिए सोशल मीडिया या फिर यह के व्हाट्सएप जूम इनके जरिए निकाह ना किया जाए बिला जरूरत ना किया जाए हाँ अगर कोई ऐसी अशद जरूरत हो गई जैसे कोरोना की वबा आई थी बीमारी आई थी बहुत सारे निकाह ऐसे हुए जूम के जरिए हुए या फिर जो जदीद वसायल हैं उनके जरिए हुए तो अगर ऐसी जरूरत पेश आती है और वहां पर कोई चारा नहीं बचता कि इंसान हाजिर होकर के निकाह करे तो ऐसी सूरत में इस शर्त के साथ निकाह जायज है कि जो तरद है जो एहतमाल है जो शक है कि धोखा दही होगी वो शक यकीनी तौर पे जायल कर दिया जाए कैसे कि जहां शादी और निकाह हो रहा है वहां अपने किसी आदमी को भेजा जाए वो देखे कि हाँ फुला लड़की है वो पूरी बात कर ले सब कुछ कर ले और उसके बाद पूरी तरह से वो मुतमिन हो जाए कि इसी से निकाह हो रहा है ये भी करे कि निकाह के वक्त एक आदमी उनका मौजूद रहे ताकि जो शक एहतमाल धोखा के जो भी इसबाब हैं जो भी जराए हैं वो सब बंद हो जाए अगर ऐसा है कि ज़रूरत है और एहतमाल ख़त्म हैं तब निकाह इन वसाइल के ज़रिए जायज़ होगा बिला ज़रूरत निकाह नहीं करें ये बेहतर अमर और दुरुस्त अमर नहीं है निकाह के लिए बेहतर ये है कि आदमी अरबी जबान में अगर कह रहा है तो बेहतर है जैसे किसी को अरबी आती है उसने कहा का कदा, कदा तो उसने कहा कि कबील तो अरबी में कह दिया तो ठीक है लेकिन अगर अरबी नहीं आती है तो उर्दू जबान में भी ईजाब कबूल करना और होना सही है कोई हरज नहीं है उसी तरह से लफ्ज जो इस्तेमाल करेगा बेहतर यह है कि वो अल्फाज इस्तेमाल करे जो निकाह पर दलालत करते हैं जैसे ये कहे कि मैंने तुम्हारा निका फुलासे करवाया या किया तुम्हारी शादी करवाई वो अल्फाज जो निकाह पर दलालत करते हैं अब हर मुआशरे में हर मुल्क में अलग अलग लफ्ज होगा तो जो लफ्ज जहां निकाह के ऊपर दलालत करता है बेहतर यह है कि वही लफ्ज इस्तेमाल करें उसी तरह से ईजाब कबूल ईजाब कबूल के लिए जो कि दूसरा रुकन है ये लाजिम है कि वो एक ही मजलिस में हो मजलिस अलग अलग ना हो कि अभी कह दिया कि मैंने तुम्हारे निकाह में फुला को दिया और लड़का चुप हो गया वहां से लोग निकल गए और फिर कुछ देर के बाद जमा हुए तो फिर कह रहे हैं कि मैंने कबूल किया ऐसा नहीं है दुरुस्त नहीं है ये उसी मजलिस में जुदा होने से पहले वहां से निकलने से पहले जाने से पहले ये कहना जरूरी है कि मैंने कबूल किया ईजाब और कबूल एक ही मजलिस में होना लाजिम है अब आइए निकाह के शराय क्या है शुरूत क्या है निकाह के तीन शरात है पहली शर्त के जोजैन यानी लड़के और लड़की की तयन जिसके ताल्लुक से गुफ्तु आई दूसरी शर्त के दोनों की रजामंदी लड़के की रजामंदी तो मारूफ है लड़की की रजामंदी के ताल्लुक से भी गुफ्तु इससे पहले की नशस्त में आ चुकी है तीसरी शर्त है वली की इजाजत वली की इजाज़त निकाह में शर्त है उसके बगैर निकाह जायज़ नहीं है दुरुस्त नहीं है बातिल है बाज़ उलमा के नज़दीक बगैर वली के निकाह दुरुस्त होता है निकाह हो जाता है और हमारे यहाँ ये बहुत रायज हो चला है लोग इसका फतवा देते रहते हैं कि बेला वली निकाह जायज़ है बगैर वली के निकाह जायज़ है क्या ये शरीय का फतवा है या फिर ये के ये किसी उम्मती का फतवा है किसी ऐसे शख्स का फतवा है जो नबी नहीं है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है अगर ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और फतवा है तब तो दलील ला करके दें और हम तस्लीम करेंगे और अगर उनका फतवा नहीं है किसी दूसरे शख्स का है तो हम ये तलाश करेंगे कि शरीयत ने इस सिलसिले में क्या कहा है और फिर हम उसे तस्लीम करेंगे उम्मती की बात किसी शख्स की बात दीन में दलील और हुज्जत नहीं बन सकती है उसे दीन नहीं माना जा सकता है अल्लाह आलमीन ने कुरान में जब कभी औरतों के निकाह के ताल्लुक से गुफ्तु की कलाम किया तो उसमें वलियों को हुक्म दिया कि तुम उनका निकाह करवाओ या ना करवाओ ये मामला वली के जिम्मे रखा चुनानचे अल्लाह आलमीन का फरमान है वला तुन की हुल मशर हत्या अपनी बेटियों और अपनी बहनों का निकाह मुशरकिन से उस वक्त तक ना करो जब तक के वो ईमान नहीं ले आते हैं ईमान कबूल नहीं कर लेते हैं अल्लाह रबुलम ने इस आयत में वली को मुखातब किया कि तुम मुशरकिन से अपनी बच्चियों की शादी ना करवाओ तुम ना करवाओ यानी शादी करवाने का जो इख्तियार है जो इजाजत देगा वो वली है उसकी इजाजत के बगैर नहीं होगा लिहाजा वली की इजाजत शर्त और लाजिम है नबी अक्रम सलिया करते, थे, कहा करते थे, उनके पास रिश्ता भेजा करते थे आप अपनी बेटी या बहन से शादी करवा दे चुनान कहती है चार निकाह जाहली रायज थे उनमें से जो निकाह आज हमारे इस जमाने में रायज है यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में निकाह उन्नासिल निकासी लोग आज जो निकाह का तरीका इख्तियार करते हैं कि यखतब रजुल रजुल कोई शख्स किसी शख्स को पैगाम भेजता है वली तहु अब उसकी बेटी के सिलसिले में या फिर यह जिसका वो जिम्मेदार है उसके सिलसिले में फैस दु खुहा फिर वो उसे महर देता है और निकाह करता है ये तरीका नबी अकरम अलैहि वसल्लम के ज़माने में राइज था और यही तरीक़ा मामूल भी था इसी पर लोग अमल करते थे और ऐसे ही शादी किया करते थे इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी सही में नक़ल किया और ये मालूम है कि तरीका वही मकबूल है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था जो तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था बाद में राइज हुआ उसके ताल्लुक से नबी अक्रम सला ने फरमायामरुना फहू अरद जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म हमारी इजाजत नहीं है फहू अरद तो मरदूद है गैर मकबूल है तीसरी दलील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसे इमाम अहमद रहल्ला ने अपनी मुसरत में नक़ल किया है और अल्लामा अलबाई र्ला ने सही करार दिया है ला बिवली बगैर वली के निकाह नहीं होता है निकाह मुनाकिद ही नहीं होता है ऐसे किसी निकाह का शरअन वजूद नहीं है जो बगैर वली के हुआ हो बाज लोग इस हदीस की तावील करते हैं लेकिन दर हकीक़त वो लोग न लगवी तौर पर इस हदीस को समझ रहे होते हैं या इस हदीस की तफसीर कर रहे होते हैं और नहीं ही तौर पर इस हदीस की सही तफसीर कर रहे होते हैं क्योंकि अगर किसी हदीस की तफसीर में इख्तलाफ हो जाए या किसी आयत की तफसीर में इख्तलाफ हो जाए तो हम उस इख्तलाफ का हल दूसरी हदीस से निकाल लेंगे और अगर हम दूसरी अदीस देखते हैं तो हमें यही समझ में आता है जैसा कि इन आगे बयान आएगा कि इससे मुराद ये है कि बिला वली निकाह नहीं होता है ही नहीं होता है जायज ही नहीं है बातिल है चुनाचे बात में मवाली जिस किसी औरत ने भी अपने वली की इजाजत के बगैर शादी कर ली फनिका हुआ बातिल फनिका हुआ फनिका खुहा बातिल उसका निकाह बातिल है बातिल है बातिल है तीन मरतबा ये जुमला दोहराया इस हदीस को इमाम अहमद ने इमाम तिरविजी ने इमाम अबू दाऊद और इमाम बिन माजा ने नकल किया है और हदीस सही है इस हदीस से ये ज्यादा अच्छे से वाज हो गया बेहतरीन तरीके से वाजे हो गया सराहत के साथ समझ में आ गया के बगैर वली के निका मुनद ही नहीं होता बातिल होता है काफा निकाह हुआ बातिल ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है बाज लोग ये आयत दलील में पेश करते हैं कि अल्लाह अब्बुल आलमीन ने फरमाया طلقتم النساء النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ فلا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ के जब किसी औरत को तलाक पड़ जाए तलाक मिल जाए और फिर उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें न रोको कि वो अपने शोहर से या अपने शोहरों से निकाह करे यानी जिन औरतों के साथ ऐसा मसला हो जाए कहते हैं कि यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है अयन कि किहना वो निकाह करें ये नहीं कहा कि निकाह करवाओ तो कहा कि देखें यहां पर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह कहा कि वो खुद से निकाह करें वली की इजाजत जरूरी नहीं है जबकि ये आधी बात है मुकम्मल बात यह है कि हजरत माक़िल इबन आसार रजील्नु फरमाते हैं कि उखती रजुलमिनमुसलम मैंने अपनी बहन की शादी मुसलमानों में से एक शख्स से करवाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फरमाते हैं कि एक मुद्दत तक रही साथ फिर उन्हें उस शख्स ने तलाक दे दी एक तलाक और रुझू नहीं किया यहाँ तक के इज्जत भी गुजर गई कहा फिर उसके बाद जब इद्दत गुजर गई तो दोनों ने इरादा किया कि निकाह कर लें जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने कसम खा ली और कहा कि नहीं नहीं अल्लाह की कसम अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बहन तुम्हारे पास जाए कहा मैंने तुम्हारी शादी करवाई तुम्हारी इज्जत की तकरीम की और तुमने ये सिला दिया कहा नहीं अब मैं अपनी बहन वापस नहीं दूंगा तो अल्लाह आलमीन ने इस आयत को नाजिल किया जब यह आयत नाजिल की तो क्या सवाल यहां पर यह आता है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो क्या उस सहाबिया ने खुद से जाकर निकाह कर लिया या सहाबा ने ये समझा कि अब औरतों को इख्तियार दे दिया गया बिलावली के निकाह करें नहीं बल्कि कहते हैं माकलिब ने फलम्मा समेतुहा जब मैंने यह आयत सुनी कुल मैंने कहा मेरे रब की समोतात है और फिर मैंने उस शख्स को बुलाया और मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी शादी करवाता हूँ अपनी बहन से और तुम्हारी तकरीम करता हूँ इमाम और इमाम तिरमी दाऊदा ने इस रिवायत को नकल किया और ये सही है यानी यहाँ साहबा ने यह समझा कि अलिया को वलियों को ये चाहिए कि वो शादी करवाएं तो यन कहने से भी मुराद वली ही है वह अलिया ही शादी करवाएंगे एक अहम जो मसला है बल्कि कह लें कि एक नसीहत है और एक मुश्किल है जो हमारे मुश्किल अमर है जो हमारे माशरे में राइज है वो ये कि अगर लड़की कभी आए या कभी लड़की ने कहा कि फलाँ मुझे पसंद है लड़का नेक है साल है और अगर लड़की कहती है कि वो मुझे पसंद है तो वालिद को वालदा को या फिर भाई बहनों को जो भी हैं उन्हें एक तरह का अजीब लगता है ताजुब खेज अमर होता है उनके नज़दीक कि लड़की कैसे कह दे के फलां मुझे पसंद है और फिर मुखालिफत में उसकी शादी वहां नहीं करते हैं चाहे लड़का जितना भी अच्छा और कामयाब क्यों ना हो जितना भी नेक क्यों ना हो और जबरदस्ती उसकी रजामंदी के बगैर मुखालफत और एक तरह की अदावत दुश्मनी जाहिर करते हुए उसकी शादी कहीं और करवाते हैं जहां वो राजी नहीं होती है ये मामला दर हकीकत अफसोसनाक अम्र है लड़की की अपनी रजामंदी है जैसा कि बात आई और अगर कोई लड़की ये कह रही है कि फुला लड़का बेहतर है नेक है मुझे पसंद है और आप देख रहे हैं कि वो मैार पर उतर रहा है शरी मैारे और फिर यह उसके पास कमाने खिलाने की सलाहियत भी है तो शादी करने में क्या हरज है क्या सिर्फ इसलिए आप शादी नहीं कीजिएगा कि वो लड़की की पसंद है और फिर उस पर जबरदस्ती आप अपनी मर्जी भी थोप देते हैं बाद में ये दर हकीकत गैर शरी अमर है और नाजायज काम है चुनाचे इबन अब्बासमा फरमाते हैं कि एक कुंवारी लड़की नबी अक्रम सल्लाम के पास आई फजा करतः वही अकारिहा। ये बयान किया कि उसके वालिद ने उसकी शादी कर दी है और वो इस शादी से ना खुश है खुश नहीं है इसको नापसंद करती है वसल्लम ने फिर उसे इख्तियार दिया। माजा की हदीस है और सही है कहा तुम्हें इख्तियार है तुम इस शादी को तर्क कर दो छोड़ दो और अभी मुस्तब की हदीस है ने इसे सही कहा जब कोई ये चाहे कि अपनी बेटी की शादी करे तो उससे इजाजत ले मेरे भाइयों ऐसा ना करें कि लड़की की अगर कहीं ख्वाहिश है और लड़का मैार पर उतर रहा है तो आप मुखालफत और अदावत करें गलत है और नहीं लड़की ये करे कि वालदे की मर्जी और इजाजत के बगैर शादी करे आपकी इजाजत भी जरूरी है लड़की की इजाजत भी जरूरी है और वली की भी इजाजत शर्त है दोनों को मिल करके चलना है ऐसा नहीं है कि अगर लड़की को इजाजत दी गई है लड़की की रजामंदी रखी गई है तो लड़की जहां चाहे बगैर वालिद की इजाजत के बगैर वली की इजाजत के शादी करे यह हराम है जिना है ये और नहीं वली को यह इजाजत है कि लड़की पर जबरदस्ती किसी रिश्ते को थोपे क्योंकि यह जुल्म है और इसके ताल्लुक से क्यामत के दिन आप पूछे जाएंगे लिहाजा कोशिश करें कि दोनों को संभाल करके रिश्ते को संभाल करके आप आगे बढ़ें वरना जो अभी माशरे में हो रहा है कि लड़कियां फिर अपनी पसंद के लड़कों से भाग करके शादी कर रही हैं वो बढ़ेगा वो कम नहीं होगा तो लड़कियों को भी नसीहत की जरूरत है कि बैैर वली के शादी जायज़ नहीं है वालदेन को भी नसीहत की जरूरत है कि अगर उन्हें पसंद है तो देखें भला लड़का हो अच्छा लड़का हो तो शादी कर दे ताकि इस तरह के वाकत में कमी आए अल्लाह आलमीन से दुआ है कि अल्लाह अब्बुल आलमीन हमारे माशरे की इसलाह फरमाए और इन श्ला अभी हमारे पास और भी बातें मौजूद हैं जो निकाह और जोजैन के ताल्लुक से हैं उसी तरह से इस्लामी ख़ानदानी निज़ाम से मुत्ल हैं हम अगली नशस्तों में उसके ताल्लुक से बयान करेंगे आपके सामने आते रहेंगे अल्ला अबालमीन हम सब को सही राह की हिदायत नसीब फरमाए आमीन व आखिर दावाना अनिल्लाबालमी वालेक वरमि वबरक ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें